आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के गांव महमूदपुर तिगरी पहुंची। इसी गांव के निवासी हाजी एहसान अली मुरादाबाद के वार्ड नंबर 51 के जिला पंचायत सदस्य के प्रबल दावेदार हैं। आपको बता दें कि इस वार्ड में 19 गांव जुड़े हुए हैं। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हाजी एहसान अली का कहना है कि विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। यदि जनता हमें इस बार सदस्य चुनती है तो हम जनता का भरोसा टूटने नहीं देंगे। लॉकडाउन के चलते भी इन्होंने गरीब व्यक्तियों को राशन देकर व आर्थिक मदद भी की है। वहीं अपने वार्ड में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सैनिटाइजर और मास्क का भी वितरण किया गया है। इस मौके पर कई गाँव के ग्रामीण कलवा प्रधान जी, नजारुल शादाब अली, मोहम्मद मुनाजिर, नूर मोहम्मद, मौलाना शमशाद, अशफाक प्रधान जी, मुस्तकीम, रफत अली, वाजिद अली, इकरार हुसैन, यूनुस, बीटीसी मेंबर आदि गांव के लोग मौजूद थे। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा है। लेकिन जैसा कि सरकार भी और प्रत्येक व्यक्ति इस महामारी से लड़ने में, संघर्ष करने में, सहयोग देने में अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो चुनावी दौर भी अपनी पूरी जो है पूरी लगातार अपनी पीठ से सक्रिय है। जैसे कि चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे वो पंचायत स्तर पर हो, चुनावी मैदान में भी लोग अपनी पूरी तरह से तैयारी पर उतर आए हैं। इसी तरह से एक बहुत ही कर्मठ जुझारू उम्मीदवार यहां हमारे सामने मौजूद हैं, जो कि जिला मुरादाबाद के वार्ड नंबर 51 से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं, महमूदपुर तिगरी के निवासी हैं हाजी एहसान अली। आइए आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह की उम्मीदें यहाँ लेकर के ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। आइए बात करते हैं। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ऐसा नहीं, जैसे कि आप यहाँ पर पहली बार चुनाव में खड़े हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आप यहाँ लड़ रहे हैं, तो क्या सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपका एजेंडा है, क्या उद्देश्य है आपके जनता के लिए, सेवा के लिए आए हुए हैं, सेवा करेंगे जनता की, जैसे हम तो हो सके। जी बिल्कुल, जितनी आपसे हो सकेगी निष्पक्ष भाव से आप यहाँ पूरी जो है सेवा करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इससे पहले भी आप चुनाव में रह चुके हैं या नहीं, पहली बार आए हैं? पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता, क्योंकि जनता की काफी उम्मीद होती है सरकार से, हर सरकार से, और एक पंचायत लेवल पर अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान हो या जिला पंचायत सदस्य हो, गाँव वालों के लिए वही मुखिया होते हैं, तो किस तरह की सेवा आप उन्हें यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से करेंगे उनकी सेवा? विकास को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? जितना हम तो हो सकेगा इतना करेंगे, सरकार जितने से देगी उससे भी ज्यादा करने की उम्मीद करेंगे सरकार से। जी जी जी, कई जगह पर देखा जाता है कि पानी की बड़ी दिक्कतें होती हैं, पानी शुद्ध नहीं है, दूषित पानी लोगों को मिल रहा है, कई तरह की बीमारियां फैल रही है पानी से, वहां पर लोग गुहार भी लगाते हैं, मदद भी मांगते हैं, जिला पंचायत से भी मांगते हैं, जिला पंचायत से हो नहीं पाती, तो इंशाल्लाह हम करेंगे। मामला आपके सामने आता है तो आप उसमें क्या इंशाल्लाह हम करेंगे, मदद करेंगे, पूरी तरह से मदद करेंगे। अब जैसे कोरोना दो चार दिन में ही करा देंगे, बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं। अब जैसे कि कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है, तो आपने अपनी तरफ से एक समाज सेवी होने के नाते, एक जो है चुनाव में आप तैयार भी हैं इस नाते भी, आपने किस तरह की मदद यहाँ लोगों की? राशन भी बांटा है, इंशाल्लाह मदद करिए दो चार गाँवों में, गरीब परिवारों को मतलब आपने राशन वगैरह देकर मदद की है। इस समय में यदि कोई व्यक्ति आपको लगा है कि उसे आपकी मदद की जरूरत है तो आप उसके लिए? उसकी भी आप भी मदद करते हैं जी, मतलब पद से हटकर या चुनाव से हटकर भी चुनाव से हटकर भी मदद करते हैं, लोगों की सेवा करते रहते हैं, सेवा करते। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की आजादी का दिन करीब है, नजदीक है, इसके लिए अपने क्षेत्रवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? करना होंगे जैसे आप शुभकामनाएं अपने क्षेत्रवासियों को दीजिए, ग्रामवासियों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। इसके साथ ही आइए जानते हैं कुछ ग्रामीणों से भी क्या नजरिया है उनका, किस तरह का नेता वो अपने क्षेत्र के लिए चुनना चाहेंगे, क्या खूबियां उन्हें लगता है कि यहाँ के नेता में होनी चाहिए। आइए बात करते हैं कुछ ग्रामवासियों। जी आपका नाम सर? आप कहाँ के निवासी हैं? आप यहाँ महमूदपुर के निवासी हैं, और जो यहाँ जिला पंचायत सदस्य हैं हाजी एहसान अली जी हैं, वो भी यहीं के निवासी हैं, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि जितने भी उम्मीदवार यहाँ खड़े होते हैं, किस तरह का नेता आप अपने क्षेत्र के लिए चुनना चाहेंगे? ये भारी बहुमत है जी, मतलब आपको उम्मीद है कि भारी बहुमत से ये जो है यहाँ विजयी होंगे, क्यों आपको ऐसा लगता है? ऐसा है ना, ये जी
मतलब मदद करने वाले आदमी है, लोग गाँव वालों की मदद करते रहते ही वैसे। आपका नाम मेरा नाम मुस्तकीन। मुस्तकीन जी, आपको क्या लगता है किस तरह के यहाँ जो है नेता होना चाहिए? या आपसे पहले जैसे रहे हैं तो उन्हें भी आपने देखा होगा, बता होगा, अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय के लिए किस तरह का नेता चुनना चाहिए? हम नेता तो यहाँ से आसान हाजी साहब हैं, ऐसे ही चुनना चाहते हैं, जो का मतलब पर नहीं होकर भी लोगों की परेशानियों को दूर कर रहे हैं। हम लोगों को परेशानियाँ में आ रहे हैं जी, मतलब यहाँ पर आपको लगता है कि वो एक समाज सेवी के तौर पर भी यहाँ अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं? निभा रहे हैं, निभा रहे हैं। आपका अस्ताद हुसैन जी, आपको क्या लगता है, क्या नजरिया है आपका इस चुनाव को लेकर के जिला पंचायत का? लगता है मैं मार रहा हूं, किस तरह के नेता आप बन रहे हैं? जी, तो अब आपको क्या लगता है? अब हम लोग अपने गांव का ही कमेटी सुने हैं जो हमारे बीजी नगर में पब्लिक सिटी में जी। आपका नाम बताइए। माधव आधव। चमचा जी, आप कहाँ के निवासी हैं? पीपल थाना जी। आपको क्या लगता है यहाँ कितने उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं चुनाव मैदान में, तो किस तरह के प्रत्याशी यहाँ पर आपको लगता है बेहतर होंगे? आसान जी, तो करते हैं हम क्या ये अपने पद से हट कर के बहुत तेज बोलो सहायक रहते हैं? आपको क्या लगता है जैसे कि आप दूसरे गांव के निवासी हैं, उससे आपको क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपने गांव के लोगों के लिए यहां विकास होगा, आगे के लिए विकास होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब में विकास होगा, विकास होगा जी। इन्हें सपोर्ट करते हैं। आपका नाम बताइए। यूनिस जी, आपको क्या लगता है कि आप युवा हैं, युवा पीढ़ी से हैं और पीढ़ी के अंदर भी हमें यहाँ जानकारी मिली है, तो आपको क्या लगता है किस तरह का नेता यहाँ होना चाहिए? तो ये कि जो आई है हमारे यहाँ से ये इतने करीबी घरेलू हैं कि हमें इनके पास अगर यदि कोई काम के लिए आएंगे तो फुल सेवा करेंगे सब लोगों की। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर चले जाए या किसी काम से बाहर आए, तो यहाँ पर गाँव में रहेंगे, गाँव वासियों की पूरी जो है समस्या का समाधान करेंगे ये, और सब लोग इनसे खुश हैं। इनकी आपका कहना है कि गांव में विचारधारा मैडम अच्छी है, हम लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, लोग आते हैं तो उनको पूरी तरह से ख्याल भी रखते हैं। अभी इन्होंने कुछ समय पहले जो महामारी हमारे यहाँ चल रही है, सब लोग परेशान हैं, काफ़ी लोग दुखी हैं, लॉकडाउन में भी लोग काफ़ी दुखी रहे, मगर हाजी साहब ने इन्होंने लोगों के घर जाकर उनको राशन वितरण किया और उन लोगों की काफ़ी समस्याओं का समाधान भी किया। मैंने आपको लगता है कि यदि इस पद पर विजयी होते हैं तो लोगों की उम्मीदों पर बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं है। हाजी एहसान साहब जो हैं, मुझे लगता है शायद आने वाले समय में एक चमकता हुआ सितारा है और लोगों की काफ़ी समस्याओं का समाधान करेंगे, लोगों का ख्याल रखेंगे। जी, थैंक यू। मेरा नाम शमशाद हुसैन है। जी शमशाद हुसैन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आज तक जितने भी हमने कैंडिडेट चुने, जिला पंचायत सदस्य बने, अपना हम परेशान रहे, हम रास्तों को लेकर के लेकर के गए, वायदों में कमी नहीं करी, वायदे बराबर करते रहे, लेकिन आज तक कोई वायदे पर करा नहीं। इसलिए हमने सोच समझ के फैसला किया है और ऐसा एक कैंडिडेट आप अपने बीच में लाए हैं उतार के, जो कि हमारी समस्याओं का समाधान करें और हमारी मदद करें। तो आपको क्या लगता है कि मतलब चुनाव में हालांकि आप ही के ग्राम पंचायत से कई और उम्मीदवार भी खड़े होंगे यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है, क्यों लगता है कि जो है जिनको आपने खड़ा किया है या जिनको आप सहयोग दे रहे हैं हाजी एहसान जी को, तो आपको क्यों लगता है कि ये एक बेहतर व्यक्ति है? देखिए ऐसा होता है देहात के अंदर, पड़ोस में जो लोग रहने वाले होते हैं, एक का एक को मालूम होता है, सबको सबकी जानकारी होती है, कौन कितना साफ है, कौन कितना कैसा है। हमें इस बात को उम्मीद है कि सभी जो हमारे वार्ड नंबर 51 के सदस्य हैं, उनकी नज़रों में एहसान अली हाजी जो हैं अच्छे व्यक्ति हैं और सही हैं, ईमानदारी से जी मुझे उम्मीद है और सभी ग्राम वासियों को सभी को उम्मीद है, और इसीलिए हम मतलब ये मिल के इनको चुनाव लड़ते हैं। आपका नाम बताइए। मोहम्मद अयूब जी, यहाँ आपके गांव से ही कई लोग इस चुनाव में मैदान में उम्मीदवार रहे होंगे, आपको क्या लगता है किस तरह का नेता आपके क्षेत्र के लिए बेहतर होगा? ये काफ़ी अच्छे ईमानदार आदमी हैं, लोगों के काफ़ी काम में भी आते हैं, 51 बाइक से उम्मीदवार हैं जी, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने कामयाबी दी तो काम बहुत अच्छा होगा जी। आपको ऐसा भी लगता है कि हाजी एहसान अली जी ही बेहतर व्यक्ति इस पद के लिए, क्योंकि बच्चे के पैर जो है काटने में पता चल जाते हैं, इसलिए
जिस इसलिए इन्हें बर्तवा भी है तो इन्हें अच्छे से लोग बाहर जानते भी हैं, इनकी ईमानदारी पर लोग पकड़ भी करते हैं। आप किसी गांव के निवासी? मैं जी पीपलसाना। पीपलसाना यानी आप इस गांव से नहीं है? हालांकि कई लोगों का ये कहना था कि और दूसरे गांव से जब जिला पंचायत सदस्य या कोई भी उम्मीदवार रहते हैं तो वो अपने ही गांव का विकास कराते हैं, दूसरे गांव वालों से नहीं सुनते, तो आपको इस बारे में क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब क्या कहना है, अच्छा आदमी होता है तो उसकी ईमानदारी के चर्चे सभी में होते हैं जी। हम जो पीपलसाना से आके जुड़े हैं किसी अच्छाई के ऊपर जुड़े हुए हैं जी। अभी पीछे लॉकडाउन लगा था, इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद करी जी। चावल लिया हूँ सब चीज़ इन्होंने बांटे, तो आप पूरी तरह से समर्थन करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा, यहाँ हमने महमूदपुर निवासी हाजी एहसान अली जी, जो कि जिला पंचायत सदस्य थे, यहाँ उम्मीदवार हैं, उनसे भी हमने बातचीत की और ग्रामीणों से भी हमने जाना कि किस तरह का नेता चुनने के लिए वो अपना नजरिया रखते हैं, क्या उम्मीदें उनकी यहाँ अपने आने वाले नेता से रहेंगी। अब देखना आने वाले समय में ये होगा कि क्या जितनी उम्मीदें ग्रामीणों ने यहाँ जगाई हैं अपने मन में या जितने विचार वो अपने मन में लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं एक जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार को लेकर के, क्या जीतने के बाद यहाँ पर वो दावे और वो वादे खड़े उतरेंगे, क्या उन लोगों की उम्मीदों पर यहाँ हाजी एहसान अली जी खड़े उतरेंगे, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ ये भारी मतों से विजयी हों। अच्छा, परिये साहब नाजरीन।